एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का ट्रेडिंग सेशन आपके लिए अच्छा रहा होगा। क्या मार्केट में कल भी सेल ऑफ कंटिन्यू रहेगा, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है क्विक रिप्ले ले लेते हैं, लास्ट हमारा डाटा पे क्या व्यू था मार्केट ने, जो आज कैसे जो है डाटा इंट्राडे के डाटा शो किए और कैसे जो है इंट्राडे में प्राइस एक्शन हैपन हुआ। ओके, तो आपको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही होगी, सुबह जो है टेलीग्राम में आपके साथ मैसेज शेयर किया था, क्योंकि कल जो है वीडियो शेयर नहीं की थी। सुबह 8:30 बजे के आसपास जो है आपको शेयर कर दिया था कि ये इंट्राडे के लेवल रह सकते हैं, 17,620-40 का ऊपर की रेंज है, पहली रेंज है। और डे स्पोर्ट जो है 17,360 के आसपास है, वीकली स्पोर्ट जो है अभी नीचे है जो कि 1700 के आसपास है। और डे अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है फिर जो है 1780 तक के ऊपर के लेवल बनते हैं, पहली रेंज को अगर एग्रेसिवली तोड़ता है तो। ओके, और जिनको सेफ राइटिंग करनी है उनको 440 और 580 के बीच में करनी चाहिए। इसके ऊपर नीचे जो है थोड़े से एग्रेसिव मूव बन सकते हैं, इसके बीच में जो है कुछ भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं बन रहा, डीके ज़्यादा रहेगा। ओके, तो ये प्लानिंग थी सुबह की। और मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिया और गैप अप ओपनिंग होने के बाद में जो है हल्का सा डायल्यूटेड मूव यहाँ पे बन रहा था, और एक अर्ली डिप यहाँ पे जो है मार्केट में अक्कर हुई। इस डिप को जो है हमने थोड़ा सा लॉन्ग के साथ प्ले आउट किया और मार्केट ने उसको जो है हल्का सा रिवार्ड भी दिया, ज़्यादा नहीं लेकिन ठीक है, 40-45 पॉइंट जो है यहाँ पे 15-20 मिनट में मिल गए। और यहाँ पे इस रिवार्ड लॉन्ग को प्ले आउट करने का रीज़न क्या था कि सुबह सुबह जो है आप देख सकते हो पीसीआर में पुट राइटर जो है कॉन्फिडेंस में थे, पुट राइटिंग जो है ज़्यादा थी एटीएम के आसपास, यहाँ पे 17,600 पे 17,500 पे जो है एक अच्छा राइटिंग यहाँ पे हमको देखने को मिला था, वहाँ पे अच्छी खासी राइटिंग यहाँ पे बनी हुई थी। और हल्का सा जो है साइकोलॉजी के बिहेवियर यहाँ पे ट्रेड का ये बन रहा था, और मार्केट ने उसको देखिए कि एक शार्प डिप के साथ जो है रिकवरी को भी बना। ओके, लेकिन जैसे ही इस रिकवरी के बाद मार्केट ने एग्जैक्टली वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के आसपास जो है मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और उसको क्रॉस नहीं कर पाया। ओके, और अगले आधे घंटे में जो है आप देख सकते हो यहाँ पे कि प्राइस जो है वापस से इन्हीं लेवल के आसपास आ गया। तो तभी आपके साथ जो है टेलीग्राम पे ये मैसेज शेयर किया था कि 17,620 जो है टूटा नहीं है। ओके, रेजिस्टेंस जो है अभी भी है, ये हम ब्रेकआउट नहीं मानेंगे, 17,620 का ब्रेकआउट अभी नहीं हुआ है। ओके, कोई भी सिंगल कैंडल जो है 15 मिनट में इसके ऊपर जो है पॉजिटिव क्लोज नहीं हुई है 17,620 पे। वैसे 40 की रेंज थी लेकिन 17,620 को भी अगर आप नंबर मानते हो तो इसके ऊपर कोई नंबर नहीं है। अगर अब दोबारा क्रॉस करेगा, अगर दोबारा क्रॉस करेगा मार्केट जो है उस टाइम पे आई थिंक यहाँ कहीं पे थी, ये लेवल पे था, अगर इसके बाद अगर दोबारा रिकवरी आती है तो हम इसको ब्रेकआउट मानेंगे, वरना ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। ओके, और ड्यूरिंग दिस पीरियड जो है आप देख सकते हो लगभग 11:15 बजे के आसपास का ये मैसेज है, और 11:15 बजे जो है मार्केट ने भी डिसाइड कर लिया कि आज ऊपर नहीं जाना है। कॉल राइटर जो है डेफिनेटली नॉर्थ की तरफ निकल गए और पुट राइटर जो है वो घर की तरफ निकल गए, साउथ की तरफ। ओके, यानी कि उन्होंने अपनी पोजीशन जो है वाइंड अप करना चालू कर दिया। कॉल राइटर जो है काफ़ी अग्रेसिव थे, और आपको इंट्राडे में ध्यान होगा यहाँ पे मोर देन जो है 1,00,000 क्वांटिटी, 1,00,000 से ज़्यादा के कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे 17,600 की स्ट्राइक पे हो गए थे, वो धीरे धीरे बाद में जो है 17,500 भी शिफ्ट हुए। तो एग्रेसिवली जो है डाटा यहाँ पे बना, बिल्डअप हुआ और मार्केट ने पूरा टाइम लिया यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि सडनली 1 मिनट में गिर गया, मार्केट ने यहाँ पे लालच दिया, लालच को यहाँ पे फेक भी प्रूव किया, फेक प्रूव करने के बाद में यहाँ पे व्यू चेंज करने का पूरा मौका दिया। इस बड़े चार्ट को निकालते हैं तो यहाँ पे जो है पूरा मौका दिया मार्केट ने यहाँ पे, और इंट्राडे का डाटा भी उसके अकॉर्डिंगली बिल्डअप हुआ, धीरे धीरे जो है ये चीज़ें क्लियर होती गई। ओके, तो एक बार रिपीट करता हूँ, सुबह थोड़ा सा डायल्यूटेड मूव बन रहा था, यहाँ पे दोबारा निकालते हैं, सुबह थोड़ा डायल्यूटेड मूव बन रहा था, हल्की सी डिप आएगी वो रिकवर होगी, मार्केट ने वैसा बिहेव दिया, लेकिन एग्जैक्टली जो है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के आसपास जो है दिसंबर का फ्यूचर देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली जो है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के आसपास जो है, और यहाँ पे स्ट्राइक जो है करके वापस यहाँ पे आ गया। ये जो लेवल है 11:15 के आसपास का, इस पे जो है आपको कहा था कि 17,600 जो है नहीं टूटा है, और अभी जो है प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ सकती है, और मार्केट ने जो है उसके बाद आप देख सकते हो कि एग्रेसिवली नीचे के लेवल की तरफ ट्राई किया, क्योंकि जैसा कि प्लान सुबह था वैसे ही बिहेव भी करना था, ट्रेड भी करना था। सुबह सुबह जो है जो नीचे की लेवल थी मार्केट ने उसके ऊपर जो है स्ट्राइक किया 17,360 के आसपास, तो एक जो है ट्रेड काउंटर ट्रेड यहाँ पे ली। आज जो है काउंटर ट्रेड जो है फ्यूचर में नहीं ली, क्यों नहीं ली, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा था, और 17,360 टूटने पे हमारा जो है यहाँ पे क्या मूड था कि इंडेक्स में 17,360 टूटेगा तो 20 पॉइंट रख करके शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि 360 पे शॉर्ट की प्लानिंग थी पहले से, तो यहाँ पे आज पुट बेचा,
और पुट बेचा इसलिए कि अगर टूट गया तो फ्यूचर बेचेंगे, तो वो जो है एक आप बोल सकते हो कि फ्यूचर शॉर्ट के सामने पुट शॉर्ट हो जाएगा, तो ठीक है 150-200 पॉइंट फिर भी निकल के आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए जो है हल्का से यहाँ पे पुट बेचने का प्लान बनाया, और पुट ने जो है दो बार यहाँ पे आपको जो है रिवार्ड दी कोशिश की, 55 से यहाँ पे एंट्री मिली थी, 55 के 60 तक जो है पुट गया वहाँ पे, उसके बाद वापस से 35 के नीचे आया, फिर जो है वापस 55 आया, फिर जो है 35 के नीचे आया, और क्लोजिंग जो है मार्केट ने जिन लेवल पे आपने पुट में एंट्री ली उन्हीं के आसपास है, लेकिन फिर भी वो पुट जो है 15 रुपये प्रॉफिट में था, इसीलिए जो है पुट बेचने का इरादा था कि मार्केट अगर यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेती है तो हो सकता है कि घूम फिर के 20-30 मिनट में फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ना हो, लेकिन कम से कम पुट में जो है 10-15 पॉइंट जो है मिल ही जाएंगे, और मार्केट ने वैसे ही यहाँ पे रिवार्ड दिया। ओके, तो अब कल के लिए क्या मूड बन रहा है, कल के लिए क्या डाटा बन रहा है एक बार देख लेते हैं। निफ्टी एक्शन में वॉल्यूम डिलीवरी का काम ठीक है, अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ है, डिलीवरी भी यहाँ पे ठीक ठाक उठाई गई है, 48% जो है डिलीवरी काफ़ी अच्छी है, बुरी नहीं है। और फ्यूचर में जो है आज यहाँ पे ओआई बिल्डअप नहीं है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेंथ दे रहा है पूरी मार्केट की तरफ से, एफआई की तरफ से नहीं, पूरी मार्केट की तरफ से, कि यहाँ पे जो है ओवरऑल जो है नया शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पे नंबर नहीं है, इतनी बड़ी गिरावट में जो है ओआई साथ में नहीं आया है। ऑप्शन अभी हमने देखा एक यहाँ पे अपडेट है निफ्टी एक्शन में, यहाँ पे जो है पहले हम सिर्फ नंबर्स में देखते थे, वो फैसिलिटी यहाँ पे भी दे दी है, आपको जो है आई फोर ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं है, जो सिर्फ ईओडी देखते हैं जिनके पास आई फोर ऑप्शन का सब्सक्रिप्शन नहीं है, जो ईओडी नंबर देखते हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स में देख सकते हो इसको। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स में है, यहाँ पे अभी नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्योंकि ज़्यादातर लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में देखने की आदत होगी नई वेबसाइट से एनएससी की, जो पुराने एनएससी के एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो इसको नंबर्स में देखना चाहिए तो नंबर में कर सकते हो। ओके, एनीवे वापस आते हैं, कॉल राइटिंग एग्रेसिव हुई है, पुट राइटर ने अपना जो है प्लेस छोड़ दिया है, नीचे जो है 17,100 और 16,900 पे जो है पुट राइटिंग हुई है, और पीसीआर जो है डेफिनेटली हमने भी देखा कि क्रॉस ओवर काफ़ी बड़ा हुआ है, यहाँ पे रेड लाइन जो है काफ़ी हैवी जो है इंक्लाइन स्कोप से ऊपर गई है। पुट राइटिंग में नंबर नेगेटिव नहीं है, इतनी ही पॉजिटिविटी है। ओके, तो पुट राइटर आज नंबर नेट नेगेटिव नहीं हुए हैं, और सभी स्ट्राइक्स में अगर हम देखें तो थोड़ा सा नंबर यहाँ पे पॉजिटिव है, और एक ऊपर से जो है काफ़ी डिक्लाइन यहाँ पे हमको देखने को मिला है, जो एक दिन पहले एक का पीसीआर था न्यूट्रल था, जो दो दिन पहले जो है 1.2 था वो सीधा ही जो है 0.55 के आसपास आ गया है, तो कल ये देखना रहेगा कि मार्केट जो है इसको नीचे तक कहाँ लेके जाता है, 0.5 के नीचे जो है बाउंस बैक आते हैं नहीं आते, इंट्राडे में जो है पीसीआर कैसे यहाँ पे बिहेव करता है। ओके, और मैक्स पेन में आज जो है कुछ खास चेंज नहीं हुआ यहाँ पे, उसका रीज़न क्या है कि मैक्स पेन में चेंज इसलिए नहीं हुआ कि मार्केट जो है सुबह गैप अप ओपन हुई थी, तो जो गिरावट ज़्यादा दिख रही है इंट्राडे में वो ऊपर से ज़्यादा गिरी है। ओके, तो कल की क्लोजिंग से भी डेफिनेटली यहाँ पे 100 पॉइंट के आसपास जो है फ्यूचर गिरा है, 140 पॉइंट के आसपास जो है इंडेक्स के सपोर्ट गिरे हैं, लेकिन इसमें जो है मैक्स पेन में ज़्यादा कुछ चेंज है नहीं है। एक्सपायरी वाइज अगर काम देखें करंट वीक में काफ़ी एग्रेसिवली जो है कॉल शॉर्ट किए गए हैं, लगभग 4.25 करोड़ शेयर्स जो है नए ऐड किए गए हैं कॉल साइड में, पुट साइड में जो है सिर्फ 32 लाख ऐड हुए हैं। ओके, नेक्स्ट वीक में भी कॉल ज़्यादा शॉर्ट हुए हैं, मंथली में भी जो है कॉल ज़्यादा शॉर्ट हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हो लगभग 1.25 करोड़ के आसपास का जो है ओआई है कॉल में, और कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर नहीं दिख रहा है। दिसंबर जनवरी में जो है हल्का सा यहाँ पे पुट ज़्यादा शॉर्ट हुए हैं, पुट की क्वांटिटी यहाँ पे हल्की सी ज़्यादा ऐड हुई है, बाकी जो है कुछ यहाँ पे ज़्यादा नहीं दिख रहा। ओवरऑल अगर पूरा नंबर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि 56 लाख ओआई जो है पुट में ऐड हुआ है, उसके सामने जो है लगभग 4.15 करोड़ का जो है नया कॉल का ओआई ऐड हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे पुट जो है सिर्फ 10% क्वांटिटी ही शॉर्ट हुई है एज कम्पेयर टू कॉल, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस दे रहा है मार्केट को नियर टर्म के लिए। ओके, चलते हैं ट्रेड समरी में। एफआई का नंबर अगर आप देखोगे तो टोटली जो है रेड है आज। प्रो ने जो है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर में थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिविटी दिखाई है, और क्लाइंट्स की तो जो है चारों तरफ से पॉजिटिविटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, देखते हैं नंबर कितना नया ऐड हुआ है। लॉन्ग्स जो है हल्के से निकाले हैं आज, जो है शॉर्ट ऐड किए गए हैं एफआई के द्वारा। ओके, और ये जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, हालांकि अभी भी नेट लॉन्ग अभी भी ज़्यादा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं नेट लॉन्ग अभी भी ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन ये थोड़ा सा कम्फर्ट देता अगर ये आज का नंबर इतना बड़ा नहीं होता, 2-3 हज़ार होते तो समझ में आता, 9 हज़ार थोड़ा सा ज़्यादा है। ओके, तो लॉन्ग्स निकले हैं, साथ में शॉर्ट यहाँ पे ऐड किए गए हैं। स्टॉक फ्यूचर में थोड़ा सा यहाँ पे अभी नेगेटिविटी दोबारा कई दिनों बाद आई है, हम देख सकते हैं कि लॉन्ग काफ़ी ज़्यादा निकाले गए हैं और शॉर्ट्स भी जो है काफ़ी ऐड किए गए हैं, तो एक ही दिन में आप देख सकते हो कि लॉन्ग्स तो पिछले 3-4 दिनों से निकल रहे हैं यहाँ पे। ओके, पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पे लॉन्ग्स निकल रहे हैं ये हमने देखा, लेकिन शॉर्ट्स में जो है
साथ में कुछ क्वांटिटी निकल रही थी, अब शॉर्ट्स में भी जो है एक बड़ा नंबर यहाँ पे नया ऐड होता हुआ हमको दिख रहा है। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि हमको लगा था कि मार्केट जो है दिसंबर की सेल ऑफ के बाद, FI की क्रिसमस की छुट्टियों के बाद जो है शायद वो नए लेवल्स की, ऊपर के लेवल की तैयारी करें। ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली स्टॉक्स के फ्यूचर में डेरिवेटिव में एक लॉन्ग पोजीशन जो है कई दिनों से हमने देखी थी, लेकिन ये जो है आज का नंबर लगभग 31,000 की नेट शॉर्ट आप बोल सकते हो, लॉन्ग्स भी एग्जिट हैं और शॉर्ट भी होने हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे डिसपॉइंटिंग है FI की तरफ से, ये थोड़ा सा कॉशियस व्यू दे रहा है। और इंडेक्स ऑप्शन में देखें, इंडेक्स ऑप्शन में आज कॉल में एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। कॉल में आप देख सकते हो कि 1,00,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है लॉन्ग है, 1,14,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं, और पुट में जो है लॉन्ग ही ज़्यादा है, शॉर्ट ज़्यादा नहीं है। तो ये नंबर क्या शो कर रहा है, ये नंबर जो है नियर टाइम के लिए डेफिनेटली यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम है। लेकिन क्या यहाँ पे पुल बैक बन सकता है, हाँ पुल बैक बन सकता है, क्वांटिटी यहाँ पे बाइंग की भी काफ़ी बड़ी है। तो ये भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉल में जो है ज़्यादा एक्शन हुआ है, पुट में जो है जो एक्शन है वो एग्रेसिव है, और कॉल में जो एक्शन है वो स्प्रेड के थ्रू है। ओके, तो स्प्रेड के थ्रू जब नंबर होता है तो उसमें चांसेस रहते हैं पुल बैक के, लेकिन जो पुट में नंबर है ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि मार्केट में प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, पुट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बाय किए गए हैं। ओके, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिख रही है। FI के नंबर देख लेते हैं। FI ने जो है आज निफ्टी में ज़बरदस्त OI इंक्रीज़ किया है, फ्यूचर्स में, इंडेक्स फ्यूचर में, और बैंक निफ्टी में जो है कोई ज़्यादा यहाँ पे नहीं किया है, इसलिए जो है बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉमिसिंग लग रहा था। एक मैसेज आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था कि प्रॉब्लम कौन कर सकता है, प्रॉब्लम कर सकता है रिलायंस और IT, यहाँ पे FMGC देखना रह गया, खास करके HUL, और फाइनेंशियल थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि आज इंट्राडे में तो फाइनेंशियल ने सपोर्ट नहीं किया, पूरे दिन जो है उनके साथ ही गिरी बैंक निफ्टी जो है। अगर आपने देखा होगा यहाँ पे तो बैंक निफ्टी जो है ऊपर से गिरा, यहाँ पे एक बार पुराने चार्ट जो है क्लियर कर देते हैं। ओके, तो ऊपर से यहाँ पे बैंक निफ्टी गिरा, लेकिन सेम टाइम पे अगर आप देखोगे निफ्टी IT को तो निफ्टी IT भी यहाँ पे गिरा। तो रीजन क्या था, उस टाइम पे निफ्टी IT ज़्यादा ऊपर था और ये जो है रेजिस्टेंस के पास था, 36,500 जो लास्ट स्विंग हाई था उसी के आसपास था। ओके, और ये एक सप्लाई जोन जो है हमने डिस्कस किया था पूरे क्वार्टर के लिए, और वो क्वार्टर जो है अभी दिसंबर में कंप्लीट होने जा रहा है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वार्टर में जनवरी फरवरी मार्च में क्या आता है, जनवरी के जब दिसंबर क्वार्टर की जब अर्निंग आएगी तो कैसे नंबर बनते हैं। लेकिन ये क्वार्टर के लिए पूरा क्वार्टर जो है ऐसा ही गया है। इन तीन क्वार्टर की लिए जो है हमने ये डिस्कस किया था, ये 3 महीनों के लिए डिस्कस किया था, वो 3 महीने जो है आने वाले 2 वीक में कंप्लीट हो रहे हैं। तो हो सकता है कि इसके बाद जो है अगर ये तोड़े 37,400 के बाद तो शायद IT में दोबारा से बाइंग के मौके मिले। ओके, देखते हैं, वो अभी कहना आसानी, इतना जल्दी जल्दबाजी होगी, हो सकता है कि ये नीचे 34,000 को तोड़ दे, नीचे जो है पहले एक बार सेल ऑफ देखने को मिले। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो क्वार्टर पूरा हमने डिस्कस किया था सप्लाई जोन का निफ्टी IT के लिए, निफ्टी IT ने एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ पे बिहेव किया है। ओके, तो उसका रीज़न क्या था, निफ्टी IT जो है नियर स्विंग हाई था और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे एक्सपेक्टेड था, जबकि बैंक निफ्टी जो है जो पैटर्न हमने डिस्कस किया था उस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, नीचे बॉक्स में अभी तक दोबारा नहीं घुसा है और ऊपर सपोर्ट बन रहा है। तो बैंक निफ्टी अगर गिरता भी हल्का तो उसके बाद जो है बाउंस बैक इसमें उम्मीद थोड़ी ज़्यादा है। तो इसलिए जो है ये टेलीग्राम पे मैसेज शेयर करने का रीज़न ये था, फाइनेंशियल थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं नियर टाइम में एज कम्पेयर टू IT और रिलायंस। ओके, तो ये जो है अभी वापस आते हैं FI नंबर में। FI ने जो है यहाँ पे बैंक निफ्टी से OI निकाला है, निफ्टी में OI काफ़ी ज़्यादा ऐड किया है, NPH जो है नेगेटिव हो गया है और स्टॉक्स में भी गिरा है और इंडेक्स में भी गिरा है, यहाँ पे इंडेक्स में जो है नेट नेगेटिव चला गया। तो इन नंबर्स को देखते हुए क्या जो है मूड माहौल लग रहा है, देखो डेफिनेटली प्रॉब्लम है मार्केट में, और 17,600 पे जो है एक रेजिस्टेंस जो मंथली रेजिस्टेंस एक्सपेक्टेड था वैसा ही एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ पे बिहेव किया है। ओके, क्या इसको तोड़ा जा सकता है, तोड़ा तो देखो मार्केट में कोई भी लेवल जा सकता है, उम्मीद भी है, तोड़ा जाना भी चाहिए। क्यों उम्मीद कर रहे थे हम, उसका एक रीज़न ये भी बता देता हूँ आपको कि पिछले 4 दिनों की जो कैश की सेलिंग थी FI की वो थोड़ी सी डाइल्यूटेड हुई थी एज कम्पेयर टू पूरे मंथ, जो पिछले पूरे महीने की कैश की सेलिंग थी उसके कंपेरिजन में पिछले 3 दिन का जो प्रोविजनल नंबर है वो काफ़ी कम था, लगभग 1,000 करोड़ के आसपास था, जो पहले जो है 2,000, 2,500, 3,000, 5,000 करोड़ का था, उससे जो है ऑन एवरेज 50% से कम था। ओके, तो एक यहाँ पे कैश में सेलिंग थोड़ी कम बन रही थी और दूसरा जो है यहाँ पे FI का NPH भी पॉजिटिव था। तो ये नंबर देखते हुए थोड़ी उम्मीद लग रही थी कि मार्केट जो है स्टॉक फ्यूचर में डेरिवेटिव में इनके नंबर पॉजिटिव आ रहे हैं, इंडेक्स फ्यूचर में नंबर पॉजिटिव नेट है पूरे मंथ के, तो शायद 17,600 को दोबारा तोड़े, ये जो है एक उम्मीद बन रही थी, हो सकता है दोबारा आए, लेकिन अभी के लिए जो है
करंट वीक के लिए बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। तो करंट वीक क्या यहाँ पे एग्रेसिव सेल अप देखने को मिल सकता है कल, हाँ देखने को मिल सकता है, लेकिन मार्केट पुल बैक भी ले सकती है। ये पूरा वीक जो है थोड़ा सा डाइल्यूटेड और साइडवाइज दिख रहा है। ये जो पीछे की 3 दिन की एक्टिविटी है वहीं के आसपास जो है मार्केट की एक सेंटर लोकेशन बन रही है 17,500 के आसपास। तो मार्केट जो है अगर नीचे जाएगा भी तो एक बार जो है वापस से 17,500-17,450 इस रेंज में जो है ये यहाँ पे मैग्नेट इसको अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे जो है दोबारा इसको खींचने की कोशिश करेगा, मार्केट जो है इन लेवल के आसपास खींचने की कोशिश करेगा। ओके, और क्लोजिंग हावर में जो है एक पॉजिटिव नंबर यहाँ पे निकल के आया है, वो क्या है आप देखिए कि ये चार्ट आप यहाँ पे देखिए इंडेक्स स्पोर्ट का, और ये चार्ट यहाँ पे आप ये देखिए इंडेक्स के फ्यूचर का, आपको कुछ यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा होगा। ओके, क्या डिफरेंस दिख रहा है? और डिफरेंस ये दिख रहा है कि दोबारा जो है लो, डे लो पे जो है क्लोज नहीं जा रहा है फ्यूचर में, कुछ जो है शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। ओके, कुछ जो है यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है, प्राइस जो है थोड़ा सस्टेन कर रहा है एज कम्पेयर टू इंडेक्स। तो इंडेक्स में और फ्यूचर में जो है लास्ट क्लोजिंग आवर में थोड़ा सा यहाँ पे पेन रिलीफ दिख रहा है कि जो एग्रेसिव शॉर्ट यहाँ पे बने थे उसमें से कुछ क्वांटिटी इंट्राडे बुक की गई है, लेकिन एफआई के नंबर अभी भी नेगेटिव है, उस पॉइंट को नहीं भूल सकते। ओके, तो थोड़ा सा रिलीफ यहाँ पे हमको जो है क्लोजिंग हावर में देखने को मिला था। कल के लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे, ऊपर की बात कर लेते हैं, बड़ा रेजिस्टेंस 17,620-17,640 रहेगा। अगर आपको एक ही रखना है तो आप 17,640 रख सकते हैं, या फिर इसको जो है 10 पॉइंट का और बफर दे दीजिए। मार्केट सेकंड टाइम करता है तो थोड़ा सा ब्रेकआउट का जो है फेक चांस रहते हैं, तो आप इसको जो है थोड़ा सा 10 पॉइंट का और बफर दे लीजिए। 17,620 जो है आप इसको सिंगल लाइन रखना चाहें तो रख सकते हैं। ओके, अगर आपको रेंज जैसे कि हम पसंद करते हैं रखना वो रखनी है तो आप 17,640-17,660 की ये रेंज मान सकते हो यहाँ पे। ओके, एक बार इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये रेंज जो है ऊपर की रेजिस्टेंस की रहने वाली है। और अगर आपको राइट नाउ बिल्कुल पास का रेजिस्टेंस चाहिए, उस पे जो है रेजिस्टेंस तो ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन जिन लेवल को मार्केट एक बार रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रेजिस्टेंस नहीं है, एक बार हिट करना चाहिए, वो 17,540 का यहाँ पे रह सकता है। ओके, और नीचे में अभी इमीडिएट रेंज जो है ये 17,360 की रहेगी, एक बार ओपनिंग के कैंडल को छोड़ दें, कल सुबह कहाँ पे ओपनिंग होगी पता नहीं, तो आप जो है इसको 17,340 मान सकते हो। एक बार जो है इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देते हैं। ओके, तो ये जो है एक इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा मार्केट के लिए, वरना हमारा प्लान क्या रहेगा? प्लान जो है बड़ा सिंपल है, पहले तो जो हमने पहले बनाया था प्लान नंबर एक क्या है, 17,360 तोड़ेगा, 20 पॉइंट एसएल के साथ जो है मार्केट को शॉर्ट करेंगे। ओके, 20 पॉइंट एसएल के साथ टारगेट क्या रहेगा? 17,180-17,200। ओके, तो ये जो है टारगेट रहेगा, यहाँ पे हमको कम से कम जो है 160-170 पॉइंट की रेंज है, इसमें से 150 पॉइंट आपको कैसे भी कैप्चर करने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, अगर मार्केट इसके ऊपर रहती है ठीक है, कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे। 17,420 जो है एक ये ऊपर की रेंज है, ज़्यादा कंफर्ट देगी राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो रेंज है 17,420 से और 17,540, ये रेंज जो है सेफ डीके की रेंज रहेगी। क्या रहेगी? सेफ डीके की रेंज। इस रेंज में जो है हम ऑप्शन बेच सकते हैं कल के लिए। ओके, ये जो रेंज है यहाँ पे क्या रेंज है, ये जो नीचे की रेंज है ये थोड़ी सी कॉशियस रेंज रहेगी, आपको इसमें जो है थोड़ा केयरफुल रहना है, डाउटफुल रहना है, शॉर्ट की तैयारी करनी है अगर इसको मार्केट तोड़ेगा तो। ये जो रेंज है इसमें जो है हम इसमें जो है 100 पॉइंट के लिए थोड़ा सा यहाँ पे डिफेंसिव लॉन्ग कर सकते हैं, यहाँ पे जो है मार्केट अगर इसको तोड़ेगा डिफेंसिव लॉन्ग कर सकते हैं, सेकंड टाइम तोड़े तो ज़्यादा बेटर है। डिफेंसिव लॉन्ग का मतलब क्या है? नीचे के कुछ जो है पुट बाय करके, या फिर जो है आप हेज लॉन्ग फ्यूचर कर सकते हो, 20 पॉइंट 30 पॉइंट का एसएल रख करके आप जो है पुट बाय करके साथ में जो फ्यूचर बाय कर लिया कोई एटीएम से थोड़ा नीचे का, जिसमें पुट में आपका डीके जाए 10 से 20 रुपये, 70-80 रुपये जो है नेट आपको उस ट्रेड में मिल जाए, ठीक है। ओके, तो ऐसी जो है आप ट्रेड कर सकते हो। तो प्लान क्या रहेगा कल का? प्लान सिंपल है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 17,360 के नीचे जाएगा 20 पॉइंट एसएल के साथ, 150 पॉइंट टारगेट के साथ शॉर्ट करेंगे। ये जो रेंज है 17,360 से और 17,420 की, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं एक बार लाइन को। ओके, 17,420 एग्जैक्टली इस रेंज में जो है थोड़ा सा कॉशियस रहना है, ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं करनी है। और 17,420 से और 17,540 तक ये 120 पॉइंट की रेंज, प्रीमियम डीके की रेंज है, और मार्केट को जो है वापस इस जोन में आना चाहिए, टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि पूरे वीक के सेटअप इन्हीं लेवल के आसपास बने हुए हैं। 17,540 के ऊपर जो है दोबारा से 100 पॉइंट के ट्रेड जो है हम ले सकते हैं। ये रेंज टूटेगी तो क्या होगा?
कुछ खास नहीं होगा, सेटअप ऐसा नहीं है कि मार्केट एक ही दिन में 18,200 चला जाएगा, सिर्फ जो है थोड़ा सा डिप बाइंग में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और कुछ नहीं होगा ज़्यादा चेंज यहाँ पे। मार्केट जाएगी तो भी धीरे धीरे जाएगी, आती जल्दी है जाती धीरे धीरे है। ओके, तो ये जो है ट्रेड सेटअप रहेंगे कल के लिए। कुछ भी चेंज रहेगा तो इंट्राडे में आप देख सकते हो। एक चीज़ के लिए जो है आपको सॉरी बोलना है, वो क्या है, आज जो है हमने एक यहाँ पे मैसेज डाला था सुबह सुबह, ओके, और वो एक अर्ली डाटा प्रेडिक्शन था। मुझे लग रहा है कि सॉरी बोलने का रीज़न ये है कि हो सकता है कि अगर आप बायर हो, इसको देख करके आपने बाइंग की अपॉर्चुनिटी पुट बाइंग की या फिर छोड़ दियो। इसमें जो है कुछ सेटअप वोल्टेटिक ऐसे बन रहे थे, एग्रेसिवली जो है मार्केट काफ़ी ज़्यादा कूल डाउन हो रही थी मंडे के दिन, एक लॉन्ग एक छुट्टियों के बाद वीकेंड के बाद जो है नॉर्मली फर्स्ट हाफ में जो है आई वी विक्स बढ़ता है हमेशा, ओके, और खास करके इस वोल्टाइल मार्केट में। लेकिन यहाँ पे जो है आज बिल्कुल अपोजिट हो रहा था, आई वी ड्रास्टिकल रिड्यूस हो रहे थे, ऑप्शन के प्रीमियम ड्रास्टिकल गिर रहे थे, विक्स जो है काफ़ी गिर रहा था। तो उससे जो है एक सेंटिमेंट बन रहा था कि मार्केट जो पूरे दिसंबर में एक हमने रेंज बनाई थी दिसंबर मंथ की 17,600 की और नीचे जो है 16,900 की, ओके, तो ये जो रेंज बन रही थी मार्केट जो है लग रहा था कि इस में एक बहुत छोटी नैरो रेंज जो है आने वाले दिनों में बनाने वाली है और आईवी जो है दोबारा से 15 से होते हुए 12-13 तक आ जाएगा आने वाले 7-8-10 दिन में, ओके, 7-8-10 ट्रेडिंग सेशन में, ओके, तो ऐसा जो है कहीं ना कहीं लग रहा था। और उसका एक रीज़न ये भी था क्योंकि क्रिसमस की छुट्टियां आ रही है तो बड़े पार्टिसिपेंट्स जो है FII वगैरह का या फिर जो हेज फंड वगैरह हैं या फिर जो भी हैं सभी छुट्टियों पर जाते हैं, तो वहाँ पर मार्केट में वॉल्यूम काफ़ी कम रह सकता है तो एक्टिविटी शायद उतनी ज़्यादा ना मिले, ओके, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू थ्योरी से जो है आपके साथ ये मैसेज शेयर किया था कि कुछ दिनों के अभी लग रहा है कि मार्केट जो है ऐसे जोन में जाने वाली है जहाँ पे ऑप्शन बायर को इंट्राडे में बहुत कुछ स्कोप ना मिले। स्कोप ना मिलने का रीजन कहने का मतलब क्या था कि मार्केट गैप अप हुआ, थोड़ा दो छोटी रेंज में ट्रेड किया, लास्ट के 15 मिनट में और स्टार्टिंग के 15 मिनट में ही मार्केट के टोटल प्राइस एक्शन का 60-70% हिस्सा आ गया और बाकी जो है गैप अप गैप डाउन हो गया। तो अगर ऐसे सिनेरियो बनते हैं तो मार्केट में इंट्राडे ट्रेडर कुछ कर नहीं पाता, यानी कि 60-70 पॉइंट गैप अप हो गया, इंट्राडे 40-50 पॉइंट घूमता रहा, फिर सुबह की पहली 15 मिनट की कैंडल और लास्ट की 15 मिनट की कैंडल में एक्शन आ गया। और ज़्यादातर बायर क्या करते हैं, सुबह 10 बजे से और 3 बजे तक ही काम करते हैं तो उनके लिए ज़्यादा कुछ मिले ही ना। तो इस पॉइंट को हम वापस लेते हैं, अभी जो है देखते हैं दोबारा कब ये सिनेरियो बनता है, कब जो है सेटअप बनता है, एक दो दिन कंफर्मेशन हो जाए तब ये मैसेज आपके साथ दोबारा शेयर करेंगे, तब तक जो है आप इसको इग्नोर कर देना, ओके। तो यहाँ पे कुछ भी चेंज रहेगा तो आपके साथ जो है यहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा। इंटरनेट में आप यहाँ पे देख सकते हो और 10,000 के ऊपर जो है यहाँ पे सब्सक्राइबर हो गए हैं टेलीग्राम पे, आप सभी का प्यार मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इससे हेल्प मिल रही है तो आप हमको मोटिवेट करते रहें ताकि हम जो है ऐसे एफर्ट करते रहें, ओके। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।